गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपने इंग्लिश टीचर की पोयम स्टार्ट करेंगे, दैट इज इट्रियू सत्याग्रही। ओके, बिफोर दैट हम ये वार्म अप रीड करेंगे। वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 मार्च एवरी ईयर। जो वुमेन्स डे है वो कब मनाया जाता है? हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑन दिस डे द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बेस्टोज अ नारी शक्ति पुरस्कार टू सेलिब्रेट द अनसंग वुमेन अचीवर्स ऑफ द कंट्री। जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, हमारे देश में हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री अलग होती है, इसी तरह से हमारी क्या होती है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो वुमेन्स और चाइल्ड से रिलेटेड सारे इश्यूज को देखती है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, बेस्टोज का मतलब क्या होता है, किसी को कुछ देना ये बताने के लिए कि वो कितने ज्यादा रिस्पेक्टेड हैं। ओके, तो ये क्या देते हैं, नारी शक्ति पुरस्कार देते हैं उन वुमेन्स को जिन्होंने कभी भी अपनी गाथा खुद से नहीं गाई। ठीक है, दिस प्रोग्राम इज ऑल्सो अंडरटेकन टू एनकरेज द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। इसी के अंडरटेकन कौन सी प्रोग्राम चलाया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, एज वी ऑल नो दैट कि हमारी कंट्री में गर्ल्स की कितनी और वुमेन्स की कितनी खराब हालत है। ओके, तो उनको आगे लाने के लिए ही, जो टैलेंटेड है या जो कुछ कर सकते हैं जिंदगी में, उनको आगे लाने के लिए ही ये सब स्कीम्स चलाई गई हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऑन 8 मार्च 2018 वुमेन्स डे वाले दिन ही 2018 में द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑनर्ड द फर्स्ट लेडीज। तो उन्होंने क्या किया, जो फर्स्ट लेडीज थी जिन्होंने अपनी फील्ड में एक नाम कमाया, जैसे साइना नेहवाल है, जिसने क्या, वो पहली बैडमिंटन प्लेयर है जिन्होंने मेडल लिया 2012 समर ओलंपिक्स में। तो इस तरह की लेडीज को 2018 8 मार्च को क्या किया गया, सम्मानित किया गया, ऑनर किया गया, और द वुमेन हु हैव बीन द फर्स्ट टू एक्सेल इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। द अवार्ड्स वर प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद। और ये अवार्ड कौन देता है, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, वो देते हैं। और हमारे अब इस टाइम प्रेसिडेंट कौन है, रामनाथ कोविंद जी। अब आपको कुछ फर्स्ट लेडीज के नेम्स दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे इंडियन एथलीट दीपा मलिक इज द फर्स्ट वुमेन टू विन ए मेडल एट द पैरा ओलंपिक गेम्स इन 2016। तो दीपा मलिक कौन है, वो इंडियन पैरा ओलंपिक कौन से होते हैं, जो डिसेबल होते हैं, जैसे या मान लो किसी का हाथ नहीं है पैर नहीं है, उस फील्ड पैरा ओलंपिक वो गेम्स होते हैं, उन लोगों के लिए होते हैं। ठीक है, तो दीपा मलिक ने उसी फील्ड में क्या किया, पहली वुमेन बनी जिसने पैरा ओलंपिक गेम्स में मेडल जीता था 2016 में। साइना नेहवाल कौन है, फर्स्ट बैडमिंटन प्लेयर है जिसने 2012 में समर ओलंपिक्स में मेडल जीता। दूसरी है छवि राजावत इज द यंगेस्ट एंड द फर्स्ट वुमेन सरपंच ऑफ इंडिया, शी इज द लीड ऑफ ए विलेज कॉल्ड सोदा इन राजस्थान। तो छवि राजावत कौन है, आप लोग भी देखते हो गांव में जो सरपंच होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, जेंट्स होते हैं। ठीक है, लेडीज बनती भी हैं तो क्या काम कौन ही करता है उनकी जगह पे, मोस्टली जेंट्स ही करते हैं। अब तो हमारी गवर्नमेंट ने कोटा ला दिया है वुमेन्स के लिए कि इतने परसेंट वुमेन्स ही इलेक्शन में खड़ी होंगी। ठीक है, तो छवि राजावत कौन है, सबसे यंगेस्ट, जो सबसे छोटी है और पहली वुमेन सरपंच है इंडिया की, इन्होंने ही, इनके बाद ही ये सब चीजें शुरू हुई, और वो कहाँ की है, राजस्थान की। नेक्स्ट फातिमा बीबी इज द फर्स्ट फीमेल जज हु बिकेम ए पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया की सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट, उसमें फर्स्ट फीमेल जज कौन बनी थी, फातिमा बीबी बनी थी। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल इसके आगे पोयम दी हुई आपको जो कि गांधी जी के रिगार्डिंग है, तो कल हम इसको रीड करेंगे।